नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। जैसा कि आपको पता है कि हमने मैथमेटिक्स की एक त्रिकोणमिति जो ब्रांच है उसकी वेब सीरीज शुरू कर रखी है, और उसके पिछले वीडियो में हमने जो त्रिकोणमिति के मुख्य 6 सूत्र हैं उनके बारे में पढ़ा था। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। उसके आगे ध्यान से देखिए, बिल्कुल लास्ट तक देखिए, फुल आवाज़ में देखिए, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने त्रिकोणमिति पढ़ी थी। त्रिकोणमिति के बाद जो हमने जो सूत्र होते हैं त्रिकोणमिति के, मेन जो संबंध होते हैं भुजाओं में, वो हमने पढ़े थे। पहला जो संबंध था वो साइन था, दूसरा कॉस था, तीसरा टेन था, इस तरह से कॉट, सेक और कोसेक ये संबंध आपने पढ़े थे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसके बाद से आपको इसे समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये 6 मुख्य रूप से सूत्र हमने पढ़े थे। चलिए शुरू करते हैं उसके आगे से। अब एक बात ध्यान रखिए कि ये जो सूत्र हैं, ये सूत्र प्रारंभ है त्रिकोणमिति का। ये जो सूत्र हैं, ये सूत्र क्या है? त्रिकोणमिति का प्रारंभ है। ठीक है, यहाँ से त्रिकोणमिति स्टार्ट होती है और बिल्कुल आगे तक जाएगी। तो आप इसको ध्यान से देखिए। एक बार मैं वापस सूत्र सारे रिवाइज करता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें देखिए टोटल 30 प्रकार के सूत्र हैं। क्या हैं? टोटल 30 प्रकार के बेसिक सूत्र। ये 30 सूत्र अगर आपको याद हैं तो आपके लिए त्रिकोणमिति बिल्कुल आसान है। अगर आपको इन 30 प्रकार के सूत्रों में याद नहीं है, या कोई कन्फ्यूजन है, या कोई दिक्कत है, तो फिर आपको त्रिकोणमिति थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो आगे बढ़ने से पहले हम इन 30 सूत्रों को, 30 प्रकार के सूत्रों को बिल्कुल आराम से और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 6 सूत्र तो वही हैं जो हमने पिछली बार पढ़े थे, पिछले वीडियो में पढ़े थे। एक बार मैं वापस उनको रिवाइज कर देता हूँ। पहला जो सूत्र था वो क्या था? साइन थीटा। इसका क्या मान होता था? लंब बटे कर्ण, यानी ये लंब और कर्ण का अनुपात था। लंब बटे कर्ण को आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस भी बोल सकते हो, या देसी भाषा में बोलें तो लंब एल बटे कर्ण को के भी बोल सकते हो। दूसरा जो सूत्र था वो था हमारा कॉस। इनके पूरे नाम मैंने पिछले वीडियो में बताए थे, आप वहाँ से देख लीजिए। कॉस जो होता है वो क्या था? आधार बटे कर्ण। जो कॉस है वो क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ठीक है, ये देखिए, जो कॉस है वो क्या होगा? आधार बटे कर्ण। और इस आधार बटे कर्ण को आप बेस अपॉन हाइपोटेनियस भी बोल सकते हो, या अगर देसी भाषा की बात करें तो आधार बटे कर्ण भी बोल सकते हो। जो तीसरा था वो था हमारा सूत्र टेन थीटा। क्या था? टेन थीटा, जिसका पूरा नाम टेंजेंट था, मैंने बताया था। इसका होता है लंब बटे आधार। इसका सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार को आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी बोल सकते हो, या लंब एल और आधार ए, इस तरह से आप किसी भी रूप में याद रखो, बस आपको ये ध्यान होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद चौथा जो अपन ने पढ़ा था वो टेन का उल्टा था, यानी अपन जो आधार और लंब में था उसका नाम था कॉट थीटा। क्या नाम था? कॉट थीटा। कॉट थीटा जो था वो था आधार बटे लंब। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, या देसी भाषा की बात करें तो ए अपॉन एल, आधार बटे लंब। उसके बाद नेक्स्ट जो अपन ने पढ़ा था वो था इस कॉस का, अपन ने उल्टा किया था कर्ण बटे आधार, यानी कॉस के उल्टे को क्या बोला था? सेक, यानी जो सेक थीटा था वो था कर्ण बटे आधार। ये हमने पढ़ा था उसमें। कर्ण बटे आधार को आप बोल सकते हो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, या कर्ण बटे आधार, कुछ भी आप बोलिए, बस आपको ये याद होने चाहिए अच्छी तरह से। उसके बाद नेक्स्ट छठा वो था कोसेक थीटा, जिसके हमने 5 अक्षर लिए थे, या मैंने बताया था आप इसको सी एस सी भी लिख सकते हो, लेकिन आप ऊपर वाला ही लिखो, ज़्यादा बेस्ट है। कोसेक थीटा जो था वो था अपने कर्ण बटे लम, जो सबसे पहला साइन थीटा हमने करा था उसका उल्टा है ये कर्ण बटे लम। इसको आप लिख सकते हो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, या इसको आप लिख सकते हो कर्ण बटे लम। इस तरह से ये 6 सूत्र थे जो मैंने पिछले वीडियो में बताए थे। एक बार मैंने वापस इनको रिवाइज कर दिए। सबसे मुख्य सूत्र ये 6 हैं, क्योंकि इन्हीं के बेस पे आगे वाले सूत्र हैं जो इन्हीं को तोड़ मरोड़ के, घुमा फिरा के, इन्हीं के संबंध निकाल के बनेंगे। तो ये 6 सूत्र तो आपको याद होने ही चाहिए। पिछले वीडियो का यदि आप ध्यान से देख लोगे तो ये आपको समझ में आ चुके होंगे, और आज के वीडियो का अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। एक दो बार के अभ्यास से आप इनको अच्छी तरह से कंठस्थ कर सकते हो। ये थे 6 सूत्र। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसके बाद के जो सूत्र हैं वो इनमें आपसी संबंध बताते हैं। क्या बताते हैं इनमें? आपसी संबंध। आपसी संबंध कैसे बताते हैं? जैसे आप साइन को देखिए और कोसेक को देखिए, तो साइन और कोसेक वास्तव में एक दूसरे के उल्टे हैं। लंब बटे कर्ण, ये कर्ण बटे लंब। उल्टा का मतलब यहाँ पे है रेसिप्रोकल, यानी व्युत्क्रम।
तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा जो है वो 1 बट्टे कोसेक थीटा है, यानी साइन थीटा की जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, साइन थीटा की जो भी वैल्यू आएगी वो 1 बटे कोसेक थीटा है, क्योंकि कोसेक थीटा का व्युत्क्रम साइन होता है। इसी तरह से अगर हम कोसेक थीटा की बात करें, किसकी बात करें, कोसेक थीटा की, तो कोसेक थीटा की जो भी वैल्यू होगी वो साइन थीटा की उल्टी या व्युत्क्रम होगी। तो कोसेक थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा। ये 2 सूत्र और साइन और कोसेक के आपसी संबंध से बने। इसी तरह से अगर आप टेन देखो, क्या देखो, सॉरी कॉस देखते हैं साइन के बाद, पहले साइन देखा और उसका उल्टा, फिर आप कॉस देखते हैं, तो कॉस और सेक इन दोनों का आप ध्यान से देखो तो इसमें क्या संबंध निकलता है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बटे सेक थीटा, कि कॉस थीटा सेक थीटा का व्युत्क्रम होता है। और इसी तरह से अगर अपन सेक थीटा को लिख सकें तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बटे कॉस थीटा, यानी जो सेक होता है वो कॉस का उल्टा होता है और कॉस होता है वो सेक का उल्टा होता है, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो दोनों से इस तरह से आप 2 सूत्र निकाल सकते हो। उसके बाद अपन लेते हैं टेन, यानी कि जो टेन थीटा होता है वो होता है 1 बटे कॉट थीटा, यानी जो टेन थीटा है वो कॉट थीटा का व्युत्क्रम है। और इसी प्रकार अगर अपन कॉट थीटा को देखें, यानी कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। तो ये जो 6 सूत्र हैं, ये ऊपर वाले 6 सूत्रों में आपस में जो संबंध है उनके हिसाब से 6 सूत्र संबंध के और बने हैं। साइन थीटा कोसेक का उल्टा, कोसेक साइन का उल्टा, कॉस थीटा सेक का उल्टा, सेक थीटा कॉस का उल्टा, टेन थीटा कॉट का उल्टा और कॉट थीटा टेन का उल्टा। उल्टे से मतलब यहाँ पे व्युत्क्रम से है, रेसिप्रोकल से, ठीक है। तो ये 6 सूत्र आपको और याद रखना है। तो कितना हो गया, 6 और 6 12, ये हो गए 12 सूत्र। अब आगे चलते हैं, इन्हीं सूत्रों को और आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। और कॉस की वैल्यू कितनी है, आधार बटे कर्ण। यानी अगर अपन इन दोनों का भाग लगा दें, साइन और कॉस का क्या लगा दें, भाग, तो यहाँ पर देखिए कर्ण से कर्ण कट जाएगा और लंब बटे आधार अपने पास आ जाएगा। यदि अपन साइन और थीटा का अनुपात निकालें या साइन और थीटा को डिवाइड करें तो यहाँ पर क्या होगा, कर्ण से कर्ण कट जाएगा और लंब और बट्टे में क्या आ जाएगा, आधार। तो कर्ण से कर्ण कट जाएगा, लंब बटे आधार आएगा और लंब बटे आधार अपना क्या होता है, टेन होता है। यानी इन दोनों से हम ये बात निकाल सकते हैं कि यदि हम साइन में कॉस का भाग लगाएं तो हमारे पास क्या आता है, टेन आता है, क्योंकि कर्ण से कर्ण कट जाएगा, लंब बटे आधार क्या होगा, टेन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक विशेष प्रकार का सूत्र निकलता है, यहाँ पर एक विशेष सूत्र निकलता है जिसको नंबर में देता हूँ 13, यानी कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसको आप उल्टा भी याद रख सकते हो, मतलब साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, ऐसे भी याद रख सकते हो, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। टेन की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो आप साइन में कॉस का भाग लगा दो, या साइन में जब कॉस का भाग लगाओगे तो आपके पास टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये आपका है ये सूत्र। इसी तरह से अगर पिछले 2 संबंधों को हम वापस देखें तो यहाँ पर अब बात करते हैं कॉस की। पिछली बार हमने साइन में कॉस का भाग लगाया था, इस बार यदि हम कॉस में साइन का भाग लगाएं तो आधार ऊपर रहेगा और ये नीचे रहेगा, तब भी कर्ण से कर्ण कटेगा और अपने पास उत्तर आएगा आधार बटे लंब। और जो आधार बटे लंब होता है वो क्या होता है, आधार बटे लंब होता है कॉट। यानी अगर हम साइन में कॉस की जगह कॉस में साइन का भाग लगाएं, क्या करें, साइन में कॉस की जगह अगर हम कॉस में साइन का भाग लगाएं, मतलब कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो वैल्यू क्या होगी, कॉट थीटा। इस तरह से ये भी एक विशेष प्रकार का सूत्र बनता है। ये 2 जो सूत्र हैं ये विशेष प्रकार के सूत्र हैं जो भाग लगाने से प्राप्त होते हैं, साइन बटा कॉस टेन और कॉस बटा साइन कॉट, ठीक है। जब आप साइन में कॉस का भाग दोगे तो टेन आएगा और कॉस में साइन का भाग दोगे तो कॉट आएगा। देखिए ये साइन बटे कॉस उल्टे हो गए तो टेन भी उल्टा हो गया, क्या बन गया, कॉट। तो ये आपको 2 सूत्र और याद रखने हैं। अब अपने टोटल सूत्र हो गए 13, ठीक है। अब चलते हैं अगले सूत्र की तरफ। देखिए अगले जो सूत्र होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सर्व समीकरण, क्या बोलते हैं, सर्व समीकरण, या इनको हम आइडेंटिटीज़ बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, आइडेंटिटीज़। ये भी एक तरह के सूत्र हैं या एक तरह के संबंध हैं जो इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में होते हैं। जब हम क्वेश्चन करते हैं तो ये आइडेंटिटीज़ या ये सर्व समीकरण या ये संबंध जो हैं वो बहुत काम आते हैं, तो इनको हम और देखते हैं एक बार, ठीक है। देखिए ये संबंध क्या होता है, जो साइन थीटा हमारा है, क्या है हमारा, साइन थीटा और कॉस थीटा, यदि हम साइन थीटा की जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर करें और कॉस थीटा की जो भी वैल्यू है उसका हम स्क्वायर करें, वर्ग करें, और दोनों को जोड़ दें, तो हमारे पास जो उत्तर आता है वो आता है 1।
यदि हम साइन थीटा की वैल्यू का स्क्वायर करें और कॉस थीटा की वैल्यू का भी स्क्वायर करें, वर्ग करें और दोनों को जोड़ दें, तो हमारे पास जो उत्तर आता है वो उत्तर आता है एक। ये एक संबंध होता है। ये संबंध सच होता है या नहीं होता, चलिए इसे जांच कर लेते हैं। देखिए साइन थीटा का सूत्र हमारे पास क्या था, पीछे आप देख सकते हो, साइन थीटा का सूत्र हमारे पास था लंब बटे कर्ण और कॉस थीटा का था आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर यदि हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखें कि क्या वास्तव में ये संबंध सही होता है या नहीं, चलिए देखते हैं। देखिए साइन थीटा की जगह आप लिखो लंब बटे कर्ण, तो ये मैंने लिखा एल बटे के, एक बार शॉर्ट में आप इसको अपने हिसाब से अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस भी लिख सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार, मैंने बिल्कुल देसी भाषा में लिया इसको साइन थीटा लंब बटे कर्ण और इसका मैंने कर दिया स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पे कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, इसका भी मैंने कर दिया स्क्वायर। अब आप दोनों को हल करो तो दोनों का होल स्क्वायर है, यानी दोनों का क्या हो जाएगा, अलग अलग स्क्वायर हो जाएगा, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ एल स्क्वायर बटे के स्क्वायर प्लस, इसी तरह से इसका भी स्क्वायर करोगे तो आधार स्क्वायर बटे के स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं आधार स्क्वायर बटे के स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर। अब जब हम दोनों को बीजगणितीय रूप से जोड़ेंगे, दोनों को बीजगणितीय रूप से जोड़ेंगे, इसके लिए आपकी थोड़ी बीजगणित भी पक्की होनी चाहिए। बीजगणित के जो वेब सीरीज़ है वो मैं अभी थोड़े दिनों में स्टार्ट करूँगा, तो वहाँ से भी आप सीख सकते हो। अभी आपको बेसिक पता होना चाहिए कि जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो जो बट्टे में है डिनोमिनेटर में जो संख्या है वो उनका अपन एलसीएम लेते हैं, और जो सेम संख्याओं का एलसीएम क्या आता है के स्क्वायर ही आएगा। फिर के स्क्वायर से के स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर क्या आएगा एल स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर, और यहाँ पर भी के स्क्वायर से के स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर क्या आएगा ए स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, नीचे तो के स्क्वायर है जो अपन ने लिख दिया यूँ क्यों, ऊपर देखो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर की वैल्यू पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय मैंने आपको बताई थी, एक बार मैं वापस आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए पाइथागोरस प्रमेय अपन ने पढ़ी थी, यहाँ पर आधार का स्क्वायर जो और जो लंब का स्क्वायर होता है वो क्या होता है कर्ण का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर या एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं के स्क्वायर लिख सकते हैं। तो उसी फॉर्मूले से यहाँ पर नीचे तो के स्क्वायर है, ऊपर क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर के स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर नीचे सेम वैल्यू है दोनों कट जाएगी, कट के क्या आएगा वन, यानी कि जो शुरू की वैल्यू थी उसकी क्या आ गई वन आ गई। यानी इसका मतलब अपन लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यूज़ को अगर अपन जोड़ के हल करेंगे तो उत्तर क्या आएगा वन, जो कि अपना राइट हैंड साइड है। इसका मतलब ये संबंध सही होता है। यहाँ पर वैल्यू चाहे कुछ भी हो, चाहे किसी भी प्रकार की वैल्यू हो, जब भी साइन थीटा का स्क्वायर और कॉस थीटा का स्क्वायर जुड़ेगा तो उसमें हम क्या बोलेंगे वन बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर साइन थीटा के स्क्वायर को आप यूँ भी लिख सकते हो, या शॉर्ट में हम इसको क्या लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ये बात ध्यान रखना कि ये साइन स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा का होल साइन थीटा का होल स्क्वायर एक ही बात है, लेकिन अगर आप इसको यूँ लिखते हो साइन थीटा स्क्वायर तो ये गलत हो जाएगा। ये आपको एक ध्यान रखना है, नोटेशन आप ऐसे दे सकते हो साइन स्क्वायर थीटा, या आप ऐसे दे सकते हो, ऐसे नहीं दे सकते, ऐसे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ये एक फॉर्मूला आपको या ये एक आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है। मैं इसको नाम देता हूँ नंबर 15, 14 तक ये थे और ये इसको मैंने नाम दिया 15। तो ये आपके पास एक सूत्र है जिसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब देखिए इस सूत्र से यदि मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ, किसकी वैल्यू निकालना चाहूँ साइन स्क्वायर थीटा की, तो क्या मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा को मैंने यहीं रखा, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दिया, तो वन कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ प्लस का है, उधर जाके हो गया माइनस का, तो ये हो गया वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये मेरे पास आ गया दूसरा सूत्र, क्या आ गया मेरे पास ये दूसरा सूत्र, इसको मैंने नाम दे दिया 16। ये निकला इसी से है पक्षांतरण करके या वैल्यूज़ को इधर उधर ट्रांसफ़र करके, तो अपन इसको अलग से सूत्र भी लिख सकते हैं या आप सेम सूत्र भी मान सकते हो। मैंने जो शुरू में 30 आपको संख्या बताई है वो अलग अलग मान के बताइए, ठीक है। और इसी से यदि अपन कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इस बार कॉस को यहीं रखेंगे साइन को उधर भेजेंगे, तो साइन को उधर भेजेंगे तो साइन का माइनस निशान चेंज हो जाएगा और ये अपने पास सूत्र बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको मैं देता हूँ नंबर 17, यानी इस एक आइडेंटिटी से तीन आइडेंटिटी बन गई। इसी प्रकार यदि और संबंध देखें तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, यानी अगर मैं टेन स्क्वायर की वैल्यू में यानी टेन थीटा का स्क्वायर करके उसमें मैं वन जोड़ूं और उसको हल करूं तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो सेक स्क्वायर थीटा में आएगी। जिस प्रकार से मैंने ये चीज़ वैल्यू रख के सॉल्व की है, आप इसको भी अगर रख के सॉल्व करोगे तो ये आपके पास प्रूफ हो जाएगी। ठीक है,
या मैं करके बताऊँ? चलो एक करके बता देता हूँ, ठीक है। हालांकि वीडियो साइज़ थोड़ा लंबा हो जाएगा, फिर भी मैं फटाफट इसे करके बता देता हूँ। देखिए, वन की जगह वन, टेंथ थीटा की वैल्यू क्या होती है? लंब बटे आधार। तो यहाँ मैं लिखूंगा लंब बटे आधार का स्क्वायर। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो वन प्लस लंब का स्क्वायर लंब स्क्वायर, और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, इसके नीचे वन आएगा। एलसीएम जब मैं इसकी लूंगा तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए वन है, तो वन का करोगे तो ये वन का ए स्क्वायर में डिवाइड करो तो ए स्क्वायर आएगा। ए स्क्वायर की वन से वैल्यू होगी तो ए स्क्वायर। ये एलसीएम लेकर जब हम सॉल्व करते हैं तो उसका रूल होता है, यहाँ पे ए स्क्वायर स्क्वायर सेम है, कट जाएगा, ऊपर क्या आएगा? एल स्क्वायर। अब ऊपर क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस एस एल स्क्वायर। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर, और बट्टे में क्या है? आधार स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं कर्ण बट्टे आधार का होल स्क्वायर, और कर्ण बट्टे आधार किसका फॉर्मूला होता है? सेक का। तो ये क्या हो गया? सेक स्क्वायर देता है। यानी इस तरह से आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये रूल आपके पास आएगा, हमेशा यही आएगा, तो आपको ये एक तरह से याद रखना है, ठीक है। ये जो सूत्र है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू सेक स्क्वायर थीटा, इसको मैंने नंबर दिया 18, ठीक है। अब इसमें यदि मैं टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं, यानी इसमें अगर मैं क्या करूं, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं, तो क्या आएगा? वन माइनस सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, क्योंकि इस बार सेक वही है और वन को मैंने उधर भेजा है, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान रखिए, इस बार जो है वो टेन की वैल्यू निकाली है, सेक वही है, एक को उधर भेजा है, तो जो उधर जाता है जिसका पक्षांतरण होता है वो माइनस का होता है। तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये मेरे पास एक और सूत्र आ गया, इसको मैं देता हूँ नंबर 19। उसके बाद यदि मैं यहाँ से वन की वैल्यू निकालूँ तो वो मेरे पास आएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, या मैं इसको यूँ भी पढ़ सकता हूँ कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। चाहे यूँ पढ़ो चाहे यूँ पढ़ो, एक ही बात है। चाहे मैं इसको वन इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखूँ, या मैं इसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन लिखूँ, कैसे भी लिखूँ, ये सूत्र आपको दोनों तरफ से याद होना चाहिए। इसको मैंने नाम दिया 20। जिस प्रकार वन में टेन जोड़ते हैं सेक आता है, ठीक है, जिस प्रकार वन में टेन स्क्वायर थीटा जोड़ते हैं सेक स्क्वायर थीटा आता है, उसी प्रकार यदि मैं वन में कॉट स्क्वायर थीटा जोड़ूँ, क्या जोड़ूँ? वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो मेरे पास वैल्यू आएगी वो होगी कोसेक स्क्वायर थीटा की। ये भी आपको सूत्र ध्यान रखना है, या इसे हम आइडेंटिटीज़ बोल सकते हैं, सर्व समीकरण बोल सकते हैं, ये चीज़। तो इसको मैंने नंबर दिया 21। ये सारे रिलेशन है आपको याद रखना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस थोड़े से अभ्यास से ये आपको आराम से याद हो जाएंगे। वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से भी अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूँ तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, वन उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का वन। ये इस तरह से मेरे पास ये हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने दिया नंबर 22। उसके बाद यदि मैं वन को इधर रखूँ, वन इज इक्वल टू और कॉट को उधर भेजूँ, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। जिस प्रकार सेक में से टेन घट के एक आया था, उसी प्रकार कोसेक में से कॉट घट के भी एक आएगा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक। इसकी वैल्यू होगी, इसको मैंने नंबर दिया 23। अब ध्यान से देखिए, मेन जो रिलेशन है वो तीन ही थे। एक तो पहला, इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, इससे दो और निकल गए, ये तीन हो गए। और फिर अपन ने ये पढ़ा, सॉरी ये वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये मेन था, इससे दो और निकले, तीन हो गए। और उसके बाद वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये मेन था, इससे दो और निकले, तीन हो गए। तो तीन तीन तीन, ये नौ, कुल ये नौ प्रकार की सर्व समीकरण होती हैं जो आपको याद रखनी है। तो 14 सूत्र पहले थे, ये नौ मिला के अपने पास टोटल सूत्र कितने आ गए? 23। जिन 30 की मैं बात कर रहा था, उन 30 में से ये 23 फॉर्मूलेज आपके पास आ चुके हैं, ठीक है। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे, ये 30 सूत्र आज पूरे कर लेते हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए आप थोड़ा धैर्य बना के वीडियो देखते रहें। अब देखिए आगे, आगे की जो वैल्यू होती है वो हम सीधे निकालते हैं 90 माइनस थीटा की। क्या निकालते हैं? 90 माइनस थीटा की। उनको हम पूरक कोणों के कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूरक कोणों के कोण, या हम यूँ कह सकते हैं कि पूरक कोणों के कोण, या पूरक कोणों के मान उनको हम बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, थीटा के बजाय, यहाँ पर हम क्या करते हैं, थीटा के बजाय 90 माइनस थीटा रखते हैं। क्या रखते हैं? 90 माइनस थीटा। देखो पूरक कोण किसे कहते हैं? पूरक कोण की परिभाषा आपने बच्चों ने पढ़ रखी होगी, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है। ऐसे दो कोण जिनका योग क्या होता है? 90 डिग्री, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पूरक कोण बोलते हैं। पूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका योग 90 डिग्री होता है। अब यहाँ पर हम थीटा की जगह 90 माइनस थीटा रखेंगे,
क्यों रखेंगे? क्योंकि 90 माइनस थीटा और थीटा, यदि हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो थीटा से थीटा कटेगा, हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 90। यानी थीटा और 90 माइनस थीटा एक दूसरे के क्या हैं? पूरक कोण। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं कि 40 डिग्री और 50 डिग्री एक दूसरे के क्या है? पूरक कोण है, क्योंकि इनका टोटल कितना होता है 90। तो जो अगले सूत्र हैं, अगले जो संबंध है वो पूरक कोणों के हैं। इसमें आपको थीटा की बजाय 90 माइनस थीटा रखना है और उनकी एक फिक्स वैल्यू होगी, वो वैल्यू आपको याद रखनी है। ठीक है, एक बार तो देखो आपको ये याद रखनी पड़ेगी, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपके ये बिल्कुल कंठस्थ होता जाएगा और इसके पीछे जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपके बिल्कुल क्लियर होता जाएगा। एक बार के लिए बस आप इतना ही ध्यान रखना कि थीटा के बजाय आपको 90 माइनस थीटा रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक कोण हैं और हम अभी पूरक कोणों का मान ही पढ़ रहे हैं। अब देखिए, हमारे पास 6 संबंध थे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। ये हमारे पास 6 संबंध थे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब यहाँ पर इनके आगे हम क्या लगाते थे? थीटा। लेकिन यहाँ पर थीटा ना लगा के अभी मैं इनके सामने क्या लगाऊंगा? 90 माइनस थीटा, क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं पूरक कोणों के मान। तो पूरक कोणों के मानों में सारे थीटा की जगह मैंने क्या रख दिया? 90 माइनस थीटा रख दिया। क्यों? क्योंकि थीटा और 90 माइनस थीटा क्या होते हैं? पूरक कोण। क्योंकि इनका उत्तर क्या आता है? दोनों का जोड़ 90 आता है, इसलिए। तो अब हमें साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो देखो, हमने जब शुरू में सूत्र किए थे तो हमें एक बात ध्यान थी कि साइन का पूरा नाम साइन था और कोस का पूरा नाम कोसाइन था। तो साइन और कोसाइन, जिसके आगे को लग जाता है वो एक दूसरे का सहयोगी बन जाता है। ये बात आप इंग्लिश में भी ध्यान रखना, जिस भी वर्ड के आगे को लग जाता है या सह लग जाता है वो एक दूसरे का क्या बन जाता है? सहयोगी बन जाता है। जैसे ऑपरेट करना, कोऑपरेट करना, ऑपरेट मतलब काम करना मिलके, कोऑपरेट करना मतलब साथ में मिलकर काम करना। तो इसी तरह से साइन और कोसाइन एक दूसरे के को हैं, टेंजेंट और कोटेंजेंट ये भी एक दूसरे के को हैं, और सेक और कोसेक ये भी एक दूसरे के को हैं। क्योंकि इनका जो पूरा नाम मैंने बताया था शुरू में उसमें यही था, साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोसीकेंट थीटा, मतलब ये आपस में एक दूसरे के को हैं। अब जब इनकी वैल्यू जब करेंगे, जब इनकी वैल्यू हम देखेंगे तो क्या होगी? साइन 90 माइनस थीटा, ये दो एक दूसरे के को हैं तो ये आपस में बदल जाएंगे। साइन 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा। इसी तरह से टेन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा हो जाएगा टेन थीटा। इसी तरह से सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा सेक थीटा। ये आपको 6 सूत्र और याद रखने हैं। जब भी साइन 90 माइनस थीटा है उसको कॉस थीटा लिख सकते हो, कॉस 90 माइनस थीटा है उसको साइन थीटा लिख सकते हो, टेन 90 माइनस थीटा है उसको कॉट थीटा लिख सकते हो, कॉट 90 माइनस थीटा है उसको टेन थीटा लिख सकते हो, सेक 90 माइनस थीटा को आप कोसेक थीटा लिख सकते हो, कोसेक 90 माइनस थीटा को सेक थीटा लिख सकते हो। ये अपने पास हो गए टोटल कितने सूत्र? 6 सूत्र, बिल्कुल एक एक लाइन के सूत्र हैं, 6 सूत्र ये हो गए। तो 23 प्लस 6 कितने हो गए अपने पास? 29 सूत्र। ये 29 बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र हैं। इसके अलावा जो 30 मैंने बताए थे उसमें एक सूत्र बच गया, वो एक्चुअली सूत्र ना होकर के एक सारणी है। क्या है? सारणी है, जिसमें हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान देखेंगे। तो वो सारणी थोड़ी सी बड़ी है और उसके लिए आपको थोड़ा सा अलग से समझना पड़ेगा, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो का साइज लंबा हो रहा है, आप भी थोड़े हो सकता है बोर हो रहे हो। तो इसी तरह से अभी तक के इसमें आप केवल ये 29 सूत्र याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, गणित के हर विषय में, हर जगह साइंस में आपके काम आने वाले हैं। वीडियो को बार बार देखिए, सूत्रों को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अगले वीडियो में मैं एक तो ये सारणी बताऊंगा और एक इन्हीं सूत्रों को याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। देखिए, वैसे तो कोई ट्रिक नहीं है, ट्रिक एक्चुअली क्या होती है? सिर्फ एक जरिया होता है कि आपके दिमाग में कोई चीज़ दूसरे तरीके से घुस जाए, बाईपास होकर घुस जाए। बाकी तो आप इनको जैसे जैसे याद करोगे, पढ़ोगे, आपको ये ऑटोमेटिक याद होते जाएंगे। ट्रिक से यूँ है कि बाई चांस आप अगर भूल जाते हो तो वो आपके बाईपास होकर आपके दिमाग में आ जाएंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।